प्राइम डिबेट में तुहाडा स्वागत है। अज की सब तो वड्डी खबर बीबी जगीर कौर नू सीबीआई की विशेष अदालत वालों दोषी करार दिता जाना है। अदालत ने उन्हां नू 5 साल की सज़ा सुना दी है ते उन्हां ने मंत्री वजों अस्तीफा दे दिता है। इस फैसले के पंजाब की सियासत उत्ते वड्डे पद्धर उत्ते असरअंदाज होने की संभावना है। बीबी जगीर कौर नू अदालत ने भावे कतल के मामले विचों बरी कर दिता है पर उसकी कतल की साजिश विच शमूलियत की पुष्टि की है। इस अदालती फैसले का फौरी नतीजा तो बीबी जगीर कौर के मंत्री वजों अस्तीफे विच सामने आ गया है पर इसके चिरकाली नतीजे भी सामने आएंगे। सवाल यह है कि जो सियासी आगू संगीन जुर्मा विच मुलजम होंदे ने तो सियासी पार्टियां उन्हां तो किनारा क्यों नहीं करदियां। आम तौर पर दलील यह दी जाती है कि मुलजम जदों तक मुजरम साबित नहीं हो जाता उदों तक उसनों बेकसूर मनिया जाना चाहिए। यह दलील अपनी थां बहुत ठोस है पर असल रसूख वाले बंदियां दे मामले विच अदालत वालों आम तौर उत्ते दित्ती जांदी दलील भी विचारी जानी चाहिए है। अदालतां आम तौर उत्ते संगीन जुर्मां दे असल रसूख वाले मुलजमां दी जमानत नूं रद्द करन लई कारण दिंदियां ने कि इह गवाहां ते सबूतां नाल छेड़छाड़ कर सकदे ने जिस नाल इंसाफ दे राह विच अड़िका पैगा। अदालती कार्रवाई दौरान गवाहां दे मुकर जाण ते सबूतां दे खुरद बुरद होण दीआं खबरां अक्सर आउंदीआं रहिंदीआं ने। इस हालात विच सियासी पार्टियां भावें किसी सियासी मजबूरी दे बोझ हेठ नहीं आउंदीआं पर उन्हां सामने नैतिक सवाल तां खड़ा हुंदा ही है। बीबी जगीर कौर दे मामले दे हवाले नाल इह सारे मामले संजीदगी नाल विचारे जाने बणदे ने। इह तां आउण वाले दिनां विच ही सामने आ जाएगा कि सियासी पार्टियां मौके दा लाहा लैण जां औखे वेले डंग टपाउण नूं तरजीह दिंदीआं ने जां संजीदगी नाल सियासत नूं अपराध तों वख करन दा सुहिरद उपराला करदीआं ने। बीबी जगीर कौर बारे अदालती फैसले नाल कुछ सवालों के जवाब मिल गए ने पर बहुत सारे सवाल खड़े भी हो गए ने। इन्हां सवालों उत्ते चर्चा करने लई साडे नाल स्टूडियो विच हाजिर ने सीनियर पत्रकार जसपाल सिंह सिद्धू, विक्रम चौधरी जो पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के वकील ने, सुखपाल खहरा जो कांग्रेसी आगू ने ते पुलाथ तों एमएलए रह चुके ने अते थोड़ी देर नूं साडे नाल ज्वाइन कर रहे ने आर के हांडा जो सीबीआई दे वकील ने और इस केस दे प्रोसीक्यूटर ने। जसपाल जी तुहाडे तों शुरू करदे हां, क्योंकि बीबी जगीर कौर पंजाब सरकार दे मंत्री सी सो एक तरीके नाल सरकार वास्ते काफ़ी वड्डा झटका वा। सरकार वास्ते कुदरती तौर पर काफ़ी वड्डा झटका और झटका भी है। एक केस का पता सी भी इस दिन इस केस की सुनवाई होनी और कन्विक्ट होना काफ़ी हद तक के लोगों को उम्मीद सी। सरकार नूं उहदा मिनिस्टर बनाउणा इस सरकार दे विच बनना मिनिस्टर बनना जां ईवीएम टिकट दे के लड़ाउणा इह वी अपने आप विच हां बिल्कुल अपने आप विच जिन्हां दे उत्ते चार्जेस जिहड़े आ उह चार्जशीट फाइल हो गई होवे उहनां नूं एमएलए दी टिकट देना और उस तों बाद फिर मिनिस्टर बनाउणा फिर उहदे लई कंपेन करना पार्टी वल्लों फिर उहदे पिछे पूरी सपोर्ट करनी पार्टी दी। इह बड़ी वड्डी नैतिक सवाल हैगा, बहुत वड्डा सवाल है अकाली दल ते पार्टी ते बहुत वड्डा सवाल है। नहीं लगता भी पार्टी दे विच किसे ने हर चीज़ा जिहड़ियां हुण आपां कह रहे हां ये किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। वैसे कल्चर ही कुछ इस किस्म का बन गया भी मैनू नहीं लगता भी अकाली दल दे विच कोई इस किस्म के क्वेश्चन करने की पोजिशन रखता या समर्था रखता है, इस करके किसी ने क्वेश्चन किया नहीं होगा, करनगे भी नहीं। इस किस्म की हालात है जी सुखपाल, क्योंकि ये केस जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तुहाडे हल्के का केस है और बीबी जगीर कौर तुहाडे सियासी विरोधी है सो तुहाडे वास्ते एक डेफिनेटली एक केस जिहड़ा वा जो उन्हां दी कन्विक्शन होई है वह बड़ा वड्डा बूस्ट है। तुहानूं की लगदा कि बीबी जगीर कौर वास्ते और अकाली दल वास्ते किन्नी वड्डी सेटबैक है? मैं जिद्दां जसपाल जी ने कहा ना जी आई वॉन्ट टू टॉक समथिंग अबाउट मॉरल ग्राउंड जी। एक तो दो गल्लां कहना चाहुंदा मैं कमल जी जी, एक तो जिहड़ा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आ हिंदुस्तान का जी उहदे ते सवाल लग गया कि 12 साल ट्रायल चली जी जी और ये जिहड़े मेन अक्यूज सन बीबी जगीर कौर जी इन्हां नूं पहले दिन तो एंटीसिपेटरी बेल मिल गई अनप्रेसीडेंटिड कतल केस विच जी वह बाहर रहे। फिर हुण कह रहे ने अखबारां वाले जी बहुत सारे विटनेसिस होस्टाइल हो गए जी, बहुत सारे लोग मुकर गए जी, जिहड़ा मेन कंप्लेनेंट सी कमलजीत सिंह वह एक बारी मुकर गया जी। तो सुभाविक गल सी, ये तो सानू अपने सिस्टम दे विच कमजोरी देखनी पैनी है कि आम आदमी इन्हां हालातों में इंसाफ ले सकता जी। कौन रख सकता समर्था 12 साल लड़ाई लड़न की? कौन जा सकता हाई कोर्टा सुप्रीम कोर्टा दे विच? सुखपाल जी तुसीं केस मेंशन कीता एक मिनट जी, खास तौर पर वैन पीपल आर पावरफुल जब वो लोग ना सिर्फ सरमाया रखते हैं लेकिन पोलीटिकल कनैक्शन हाईएसट लैवल के रखते हैं, उन्होंने लड़ाई लड़नी कि सौखी से नंबर एक जी। नंबर दो मैं फिर दोबारा मुतफिक इन्हों कि की काली सी 18 दिन वास्ते वजीर बनाना, दैट ऑलसो इज अ सिग्नल कि किस तरह पोलीटिकल पार्टियां पोलीटिकल आगू ये प्रभावित करना चाहते हैं जुडिशल प्रक्रिया में।
इन्हों वजीर इस करके बनाया गया सीगा कि अगर हो सके अखीरले दिन ने तुहाडे को 18-20 अगर कर सकते हो अपने केस का कोई कोई फायदा ले सकते हो तो ले लो प्लीज। और शर्मिंदगी सारे ना सिर्फ अज शर्मिंदगी सिर्फ अकालिया नहीं गी जी अकाल अज शर्मिंदगी सारे पंजाब विश्व के पंजाबियों नूं शर्मिंदगी हुई है। बारह साल केस चलिया ट्रंकां दे विच मेरे ख्याल फाइलां भर चुकियां सी। इन्नी लंबी प्रक्रिया जी इट इज कॉमनली सेड इन इंग्लिश जस्टिस डिलेड इज एज गुड एज जस्टिस डिनाइड। हुण इन्हां दे विच इंसाफ तां होया वा पर मैं समझदा हले हाफ बेक्ड जस्टिस आया वा। हले तुसीं कह दित्ता जी कि किसे दा गर्भ गराया गया वा वह बड़ा वड्डा अपराध आ जी। किसी होर नूं की इंटरस्ट सीगा हरप्रीत कौर की हत्या करना अदर दैन द पीपल अक्यूज्ड इन दिस केस। पर तुहानूं की लगदा विच जिहड़े गवाह मुखरे आ उहदे पैसे दा किन्ना क वड्डा रोल रहा होणा। जब मैं कह रहा कि ताकतवर आदमियों नूं जुडिशल सिस्टम ने राहत दे के बाहर छड्ड दित्ता एक दिन भी जेल नहीं भेजिया इन्हां नूं एवरीथिंग वॉज एट द डिस्पोजल पैसा भी सिगा शक्ति भी सिगी। ये बेचारे विटनेस जिहड़े ने एसजीपीसी का एक इंपलॉय सी जिहदे ते इल्जाम लग्या कि तू टेलीफोन तेरा सिगा वरत्या गया लास्ट विच होया शायद कृपाल सिंह चौहान कुछ सिगे उन एसजीपीसी इंपलॉय कितना सरकार दे या निजाम दे खिलाफ ते भी इल्जाम लगदा रहा कि तुसी ओपनली दूजी साइड दी सपोर्ट करदे रहे। देखो मैं हर जो मेरे को आदमी आया ना मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी विच मेरा रिकॉर्ड है जी कोई आदमी जो मेरे को उठ के आया जिन्होंने इंसाफ की लोड़ सी जिन्हें निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़नी सी। मैं तो आम गरीब आदमियों वास्ते शेड्यूल कास्ट कमीशन दिल्ली तक गया हाई कोर्टा तक गया विमेन कमीशन नूं जाके दरवाजे खड़काए। सो इन दैट प्रोसेस अगर कमलजीत भी मेरे को आया तो आई डोंट हैजिटेट टू सपोर्ट फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। पर कमलजीत का हुण की स्टैंड है क्योंकि वह फ्लिप फ्लॉप फ्लिप करता रहा वा पूरी मुकर भी गया सी और फिर शायद हुण दोबारा सीबीआई नूं सपोर्ट कर रहा। नहीं मैं तो जो अखबारों जो केस नूं फॉलो किया जी उहदे विच एक बार रिजाइल कर गया जी उपरंत उसने फिर अदालत विच अपनी अर्जी दिती एंड ही अगेन वेंट एंड गेव अ गुड स्टेटमेंट आई मीन द ट्रू स्टेटमेंट। हुण उहदा की अगे स्टैंड है की नहीं हैगा दैट कमलजीत विल बी नोइंग जी। विक्रम तुसीं इस केस दे विच सीधे संबंधित नहीं हैगे तुसीं पिछले केस दे विच बादल साहब नूं शायद डिफेंड कीता सी उहनां दे केस दे विच ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਿਕਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅਪੀਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦੀ ਫੈਕਟਸ ਆਫ ਦੀ ਕੇਸ। ਵਾਟ ਐਵਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਹਰਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ ਦੋ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਨ ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਨੋਟ ਕਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਔਨ ਐਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਬਟ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਬੇਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ delayed is justice denied. Well, it is equally true that justice hurried is justice buried. But whatever the courts have adopted a system, we must respect that. Court ne ek system adopt kita. Hun oh jehdi judgment aayi hai, us judgment is appealable and appeal is a statutory right. Statutory right, as a statutory right, it is admitted. And once an appeal is filed, the court has to decide on two counts. Ji. There is a provision in the CRPC, jis de thalle unhan nu zamanat bhi mil sakdi hai. और कन्विक्शन स्टे वास्ते भी एप्लीकेशन दी जा सकती है क्योंकि कन्विक्शन का जो फॉल आउट होता है। सो एनी अक्यूज्ड ऑफ एनी नेचर वंस ही इज कन्विक्टेड ही कैन अडॉप्ट दीज रिकोर्सेज एज ए मैटर ऑफ लीगल। पर विक्रम ये तो आप एग्री करते हैं ना कि 12 साल एक केस वास्ते लगना और 12 साल के ऑब्वियसली विटनेस उत्ते प्रेशर भी पैंदा वा टाइम नाल कई जड़े हील्स वूंड्स है वो हील भी हो जाते हैं। So, इना जड़ा टाइम नहीं लगना वक्फा नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल जी मैं सहमत हाँ थोड़े नाल और खैरा साहब नाल भी दैट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हैज़ टू बी लुकड इन टू फ्रॉम अ डिफरेंट आस्पेक्ट और आई एम कॉन्फिडेंट ए तो काफ़ी डिबेट ऑलरेडी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ए काफ़ी गाइडलाइनस इशू की ने विच वी आर ट्राइंग टू अडोप्ट नाउ द लीगल सिस्टम बोथ लॉयर्स द बेंच बार एज वेल एज ऑल पीपल एसोसिएटेड विद इट मस्ट टेक स्टेप्स टू इनश्योर दैट जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इज फास्ट। बट यह भी जी कहानी है जी दो पासियां दी है कि विटनेस जो मुकरदा इज ही सेइंग द ट्रूथ वैन द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैड रिकॉर्डेड स्टेटमेंट और इज ही सेइंग द ट्रूथ वैन इज डिपोजिंग इन द कोर्ट। सो बोथ दीज आर कॉन्फ्लिक्टिंग इशूज जी। बिल्कुल ठीक है सर नाल एक कॉलर जुड़े आ और सुनदे हो की कहंदे आ। कौन बोल रहे तुसीं और की कहना चाहुंदे जे? सत श्री अकाल जी मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर तों नवजोत सिंह बोलदा जी। सत श्री अकाल जी मेरी खैरा साहब नूं सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी
मेरी गल इस तरह कि कहते बीबी जगीर कौर इन जल्दी क्यों बनाया गया। सरदार जिहड़े खहरा साहब ने एक कांग्रेस की तूती है बोल दी, एक बोलने वाले प्रवक्ता ने कांग्रेस के जी, सिर्फ उन्होंने दबा करके बीबी जगीर कौर मंत्री बनाया गया, होर कोई कारण नहीं है। नहीं, इन्हें दबा करके मंत्री बनाया गया, मंत्री के बड़िया होर भी जिम्मेवारियां होंदिया वा, सिर्फ एक सियासी विरोधी दबा वास्ते किसी मंत्री बनाना तो शायद ठीक नहीं ना। नहीं, गल इस तरह ना है कि इस एक ऐसा बंदा है जिहड़ा घेरदा है बार बार अकाली दल नूं गलत कम्मां तों, ते हो शायद आने वाले समय में कांग्रेस के पंजाब के प्रधान भी आएंगे। अच्छा, हाँ जी, उहदे करके वह चाहते हैं कि इन जिहड़े बंदे कुछ बोलते हैं उन्होंने घेरिया जाए। जी जसपाल, तुसी साडे कॉलेज नाल एग्री करदे जे आंदे वी इहनां नूं घेरन वास्ते बीबी मंत्री बनाया गया, भावें 18 दिनां दी बनाया। चलो, ये कोई ये तो इन्हां दी अपनी ऑब्जरवेशन है, पर यह तो ठीक है भी इन्हों नू अपने एरिए सब तो वोकल टाइप दे कांग्रेस दे लीडर तो मनिया जाता है, वो तो उन्हां दी गल चो भी निकल रहा है सारी गल। सवाल तो यह है भी लीगल नाइसटी की गल छड़िए, सवाल यह है भी पोलीटिकल लैवल उत्ते साडी जिहड़ी नैतिकता का सवाल है ना, वह वड्डा साडा है भी असी कीता की जावे, जिहदे ते केस होए उसनू मुड़ के टिकट दित्ती जावे, फीड किया जावे, सपोर्ट किया जावे, यह वड्डा सवाल है जिहड़ा कि सानू हल करना पएगा। बिल्कुल, एक साडे नाल होर कॉलर जुड़े आ, सुणदे हो की कहिंदे आ। हाँ जी, कौन बोल रहे, तुसी की कहना चाहुंदे जे?